कैथल रोडवेज परिसर में कर्मचारियों ने निजीकरण और लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया कि रोडवेज के बेड़े में लगातार बसों की संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि कैथल रोडवेज में आज 125 बसों में से मात्र 22 बसें कंडम होने से बची हुई है। वहीं केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में 14,000 बसों की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार रोडवेज को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, इसलिए पिछले 7 सालों से कोई भी नई बस रोडवेज के बेड़े में शामिल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारी सरकार की इस मंशा को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए आज कैथल के साथ साथ पूरे प्रदेश के रोडवेज परिसर में धरना दिया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज धरना प्रदर्शन हमें कोई चाव नहीं है, ये निजीकरण के विरोध में किया गया है, क्योंकि सरकार रोडवेज में कोई भी नई बसें शामिल नहीं की जा रही। क्योंकि जब भी पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि 800 बसें आएंगी, 1000 बसें आएंगी, लेकिन अभी तक हमारे रोडवेज बेड़े में कोई भी बस भी शामिल नहीं हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि रोडवेज बेड़े में 14,000 बसें शामिल की जाएँ, जिसे हम जनता को बेहतर सुविधाएँ दे सकें और बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जो है सरकार के निजीकरण की पॉलिसियों के अनुसार है, क्योंकि सरकार जो है रोडवेज के बेड़े के अंदर बसें शामिल नहीं करी। लगातार 7 साल से बीजेपी की सरकार है और 7 साल से लगातार यही अपना रहे हैं कि हम रोडवेज में बसें शामिल करेंगे। आज तक एक भी बस शामिल नहीं की है। और दूसरा जो है कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको सरकार ने मान लिया है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया, इसलिए आज हम पूरे प्रदेश के अंदर सभी रोडवेज डिपो के अंदर धरने दिए जा रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के धरना दे रहे हैं, जिसमें हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन रजिस्टर नंबर 1, इनकी जो मुख्य मांगे हैं, पिछले सात साल से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में एक बस भी शामिल नहीं हुई है। और सभी रोडवेज के जो डिपो हैं वो जो पुरानी बसें कंडम हो चुकी हैं उनकी वैलिडिटी बढ़ा करके उन बसों को चला रहे हैं। इनकी मुख्य मांग है कि अगर हम जनता को परिवहन सेवाएं बेहतर देना चाहते हैं तो रोडवेज के बेड़े में कम से कम 8,000 बसों का प्रबंध होना चाहिए, लेकिन सरकार इसको पूरा कर नहीं रही है। रोजाना वादे करती है कि हम लेकर के आएंगे, 1500 बस लेके आएंगे, 2000 बस लेके आएंगे, लेकिन पिछले 7 साल के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी है, इनकी मुख्य मांग है। दूसरा, कर्मचारियों को खाली बैठने के लिए, जब बसें नहीं हैं तो कर्मचारी जो हैं वो इधर उधर उन्होंने खाली बिठाने का काम उनको कर लिया है, ताकि इस रोडवेज को बदनाम करके जल्दी से जल्दी समेटा जाए। निजीकरण आज के इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा है। बाकी कर्मचारियों की कुछ दूसरी समस्याएं हैं, एक दौर के अंदर बेहतर काम करते थे, बोनस और दूसरी समस्याएं मिलते थे, लेकिन आजकल उन तमाम जो इनकी मांगे हैं वो पेंडिंग है, सरकार सुन नहीं रही है। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान जहां रोडवेज परिसर में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं निजीकरण और लंबित मांगों को सरकार द्वारा जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई। वहीं अब देखना ये होगा कि इस तरह के प्रदर्शन के बाद सरकार इनकी मांगे कब तक पूरी करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।